तीन प्राथमिक मुद्दे हैं, रोजगार प्रथम मुद्दा, स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमरा गई है, सिर्फ कोविड ही की एक बीमारी नहीं है, अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं तो उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो है महंगाई। आपको पता है सरसों का तेल 200 पार, गैस सिलेंडर 600 700 800 900 1000, तो ये सरकार एक दो रुपया नहीं 100 रुपये बढ़ाती है, महंगाई बहुत प्राथमिक मुद्दा है, यही सब मुद्दे। आप युवा हैं, युवा के लिए क्या सोच आप रखते हैं? युवाओं के लिए प्रशिक्षण, रोजगार और अवसर, और युवा कुछ नहीं चाहता है, युवा स्वयं ही सब कुछ कर ले सकता है, लेकिन रोजगार के अवसर होने चाहिए और प्रशिक्षण होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे कम उम्र के आप प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि बहन जी ने आपको अवसर दिया है तो क्या अलग करेंगे आप? मुझे नहीं पता बाकी किन किन लोगों ने नामांकन किया है, हाँ कम उम्र के प्रत्याशियों में से एक हूँ, बहन जी के आशीर्वाद से, बहुजन समाज पार्टी की कृपा से, भगवान की कृपा से, जनता की कृपा से, माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा, अवसर मिला है, अब अपने आप काम करने का समय है, चुनाव तो हम जीतेंगे ही, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं। कटेहरी विधानसभा में आप किससे लड़ाई मान रहे हैं अपनी? लड़ाई व्यक्ति की अपने से बेहतर करने की होती है, बाकी दो प्रतिद्वंदी हैं वहाँ पे, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी, सब हमसे लड़ रहे हैं, हम तो किसी से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यही तीन हैं। आप क्षेत्र में दौड़ रहे हैं कटेहरी विधानसभा में, क्या कमियाँ अभी तक आपको नजर आई? रोड खड़ंजे 20 साल पहले बने, आज तक बने नहीं, पता नहीं माननीय विधायक जी ने, मंत्री भी रहे, उन्होंने क्या किया। बहुत सारी समस्या कानून व्यवस्था की भी है, क्योंकि गांव में जो है वो पुलिस भी अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाती है, तो सुरक्षा हर कोई चाहता है। छुट्टा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है, सारी खेत चर ले रहे हैं, रात रात भर उनको रखाना पड़ता है इतनी ठंडक में भी, तो यही सब है, गांव के मुद्दे भी वही हैं ज़्यादातर। तो बसपा की सरकार बनती है तो छुट्टा पशु के लिए क्या? ये विधायक लेवल की बात नहीं है, क्योंकि छुट्टा पशु पे तो जो पॉलिसी थी गौशाला की वो इस सरकार की फ्लॉप रही, फेल रही, तो उसके लिए तो बहन जी और जो भी सरकार बनेगी उसको जो है विस्थापना, क्योंकि हम भी गौ को माता मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता जनार्दन को भूल जाया जाए, जनता भी जनार्दन है, तो छुट्टा पशु के लिए बड़ी कोई योजना चाहिए कि इनको मान के साथ कहीं विस्थापित किया जाए, खेतों में तो इनका स्थान नहीं है। चलिए बहुत, आपको बताते चलें कि कलेक्ट्रेट परिषद में लोगों का नामांकन शुरू हो चुका है और कल लास्ट डेट है, और नामांकन प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट को बना रखा है, और मैनेजमेंट को किस तरीके से कोविड को देखते हुए करना है ये जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्थित किया गया है। कैमरा पर्सन अजय उपाध्याय के साथ अनूप तिवारी, अंबेडकर नगर।